अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मैं पेंटिंग के बारे में उतना ही जानती हूँ जितना आप सब लोग. मैं सिर्फ एक दर्शक हूँ. मैं देखने आई थी. हर पेंटर से बात करने का मौका मिला. उन्होंने इसके पीछे क्या सोचा है, क्या विचार रखे हैं, ये जानने का मौका मिला. ये सब जानने के बाद पेंटिंग और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है. दिखने में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन उसके पीछे जो विचार है वो सुनकर और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है. तो मुझे हर पेंटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर लगा. और तो मुझे हर पेंटिंग बहुत खूबसूरत लगा. और बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि वो पेंटर से भी बात कर सके, क्या सोचा है इसके पीछे, क्या लगा था पेंट करते वक्त, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ये सारे सवाल जो हर किसी के मन में आते होंगे. मैं लकी हूँ कि मुझे उनके जवाब भी मिले. तो ये एग्जीबिशन मेरे लिए बहुत ही खास रहा है एक्सपीरियंस के तौर पर. और एग्जीबिशन में बहुत सारे नए आर्टिस्ट भी हैं और सबकी कला यहाँ पर सामने. कितना प्राउड फील होता है जब इस तरह की जो है कितनी अप्रिसिएशन मिलती है सबसे एग्जीबिशन से. इस एग्जीबिशन में नदी के ऊपर सब चित्र बनाए हैं और नदी की कथा और व्यथा यह एक महिला ही जान सकती है. इसलिए यहाँ जो भी पेंटिंग बने हैं उन्होंने नदी की सुंदरता, नदी का महत्व और नदी की जिंदगी किस प्रकार की होती है, उससे कैसे संस्कृति और कथाएं जुड़ी है, उस सभी को मद्देनजर रखते हुए पेंटिंग बनाए हैं. और इसी पेंटिंग से यह भी एक बात मालूम होती है कि चित्र केवल देखने के लिए नहीं, वो पढ़ने के लिए भी. ज्यादातर प्रदर्शनों में चित्र लगाए जाते हैं, लोग चित्र देखते हैं या उसके नीचे कुछ टाइटल हो वो देखते हैं. लेकिन आज सौभाग्य से सभी कलाकार भी यहाँ उपस्थित हैं. तो कलाकार के मन में भी क्या है, उनके विचार कैसे हैं, वो जान लेने के लिए
कलाकार के साथ संवाद भी हो सके, और इतना ही नहीं कलाकार भी अपने चित्र के साथ प्रेक्षक के साथ संवाद कर सकता है। तो इसीलिए इस प्रकार के प्रदर्शन में लोगों ने आना चाहिए। ज्यादातर सैटरडे और संडे ये मॉल में जाने के लिए होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे आर्ट गैलरी में भी आए, कभी कभी एक म्यूजियम भी देखे, कभी कभी ऐसी निसर्ग निर्मित सौंदर्य के साथ मानव निर्मित सौंदर्य का भी आस्वादन करें। मैं एक क्यूरेटर की तरह जो सोच के किया था, उसमें पहली बात है कि मैंने देखा कि हमारी देश की नदियां ऐसी है जो सिर्फ एक प्राकृतिक एक नेचुरल वाटर बॉडी नहीं है, वो एक देवी के रूप में, मतलब उसके पीछे एक कथा है, एंड इट इज बीन पर्सोनिफाइड एज गॉड, वन थिंग। सेकेंड थिंग, हाँ सर ने जो कहा सही, उसकी जो स्थिति है, व्यथा है, उसके लिए उसको इसको जिम्मेदारी ठहराने से मुझे लगता है, आई थिंक आई एंड यू बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, लेट अस ऑल टेक दैट, इट इज हम सब की जिम्मेदारी है। तीसरी बात, जब मैं शुरू किया था मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ, जब मैं डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने कहा टॉपिक बहुत अच्छी है, जो बर्बादी है, जो खराब हुआ उसको दिखाओ, उसको कंटेम्प्ररी के नाम पे दिखाओ। मुझे वो ठीक नहीं लगी, मुझे लगी कि मुझे एक पॉजिटिव मैसेज देना है, मुझे ये बताना है, फिर से याद दिलाना है, फिर से उस पूरे कॉन्सेप्ट में फिर से एक बार देखना है कि इसकी महत्व क्या थी, इसकी सांस्कृतिक महत्व क्या थी, इसकी आध्यात्मिक महत्व क्या थी। क्योंकि हमारी देश एक बहुत खूबसूरत चीज हमारे देश की है कि हर चीज के लिए एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बेस है। मेरे ख्याल से हम जब से हम वहां से हट जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। तो जितना हो सके हम, तो इसकी खूबसूरती क्या है, इसकी पॉजिटिविटी क्या है, हम एक नदी को हमारे लाइफ में कितने एंगल से देख सकते, जुड़ सकते हैं, तो वो देखिए उसमें, ताकि मेरे ख्याल से लोगों को, देखने वालों में एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो और एज ए व्यूअर ऑल्सो, ऑडियंस जो कहते हैं, तो उनमें एक पॉजिटिव भावना आ जाए नदी की। अरे इतने सारे महत्व है, शायद मेरे ख्याल से ऐसे पॉजिटिव चीजें हम फैलाते रहेंगे तो दैट वुड मोटिवेट एवरीवन। एंड जैसे मैडम ने ठीक कहा, ऑडियंस इज ऑलवेज स्मार्टर देन द आर्टिस्ट, दे आर ऑलवेज स्मार्टर देन द आर्टिस्ट, दे ऑलवेज हैव अ बिगर पर्सपेक्टिव अबाउट द आर्टिस्ट। हमको आर्टिस्ट को, इसके लिए मैं कहता हूँ इनको कि मैं बहुत कंपल्सन करता हूँ कि जब मैं शो करता हूँ कि हर रोज सब लोग रहना चाहिए, बिकॉज मेरी काम यहाँ खत्म हो जाती है। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू द ऑडियंस, आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्लेन, मुझे मैं कहता हूँ कि उनसे बात करो, देखो क्या नई चीज निकलती है, देखो उसमें से कौन सी क्रिटिक व्यू निकलती है, एक्सप्लेन करो, देखो कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ लोग क्रिटिक करेंगे, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, कुछ लोग कंफ्यूज, कुछ जो कुछ भी हो, लेकिन देखो उसमें, क्योंकि कलाकार को वो जानना, इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तक जा सकते हैं। एंड हमारे देश में इतने पड़े हैं, मैं सबको बोलता हूँ पाश्चात्य देश की तरफ देखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हर चीज के लिए हमारे पास इतना है, संगीत हो, साहित्य हो, नृत्य हो, कला हो, एक्टिंग हो, पेंटिंग हो, एनीथिंग। सो जन्म खत्म हो जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी, तो हमारे पास सब्जेक्ट्स काफी है हर साल के लिए। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर सिर्फ एक ही साल के लिए करके रखने का सोचा था, बट आशीर्वाद से सर ने बोला कि इन्होंने फिर से आज कहा कि नेक्स्ट ईयर तृतीय होगा तो मेरे ख्याल से होगा। लेकिन बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगी कि लास्ट ईयर हम लोग 10 आर्टिस्ट थे, एक ही रूम में किया था, इस बार 17 आर्टिस्ट थे, हमने 2 रूम बुक किए, बहुत बहुत एक्सप्लोर भी किए, एंड एवरीवन एंजॉयड इट। इसमें हमें कोई रेफरेंस नहीं थी, हमें लिटरेचर के साथ ही, क्योंकि यूजुअली नदी के बारे में लैंडस्केप्स होते हैं या तो गंगा, वाराणसी घाट के, ऐसे तो 2-4 सब्जेक्ट के ऊपर ही ज्यादा होते हैं। इन डेप्थ हमारे पास कोई नहीं, हमारे सिर्फ लिटरेचर थी, हमारे पास स्टोरीज थी, हमारे पास हम उनको सिर्फ बोलते थे, वो ड्राइंग करते थे, हम डिस्कस करते थे, कितने सारे खराब हो गए, सब निकले, परेशान भी हो गए, बट एनीवे, बट थैंक यू वेरी मच। उनके हस्बैंड्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि एक साल तक उन्होंने ऐसे किया।